चेक इट आउट। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सम हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फखर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। नाज़रीन एक बार फिर से खुशामदीद है मेरे चैनल पर। PSL 2021 का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट फॉरेन प्लेयर्स का कंप्लीट हो चुका है। किस टीम ने क्या खिलाड़ी पिक किया है, किस खिलाड़ी की जगह पर कौन सा खिलाड़ी पिक किया गया है, डिटेल से आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। कल मैं ड्राफ्ट का कर चुका हूँ, लाइव ड्राफ्ट मैंने किया था, जो जो पिक होती रही थी मैं आपके साथ लाइव आकर बताता रहा था कि ये इस टीम ने ये खिलाड़ी पिक कर लिया है। 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था, किसी और चैनल पर लाइव ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया, सिर्फ मैंने लाइव ड्राफ्ट किया है अपने चैनल पर। कल ऑलमोस्ट 4 घंटे की स्ट्रीम की थी, आप लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो काफी मजा आया ड्राफ्ट का साथ साथ डिस्कस करने का। अब इसके समरी में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कौन कौन सी पिक्स हुई है, किस किस की जगह पर हुई है। 3 पिक्स ऐसी हैं जो अभी भी होना बाकी हैं, वो पिक्स हो चुकी हैं लेकिन उनके नाम रिवील होना अभी बाकी हैं। तो कौन कौन सी 3 टीम्स हैं जिनकी अभी पिक्स जो है वो रिवील होना बाकी हैं, वो टीमों के नाम आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल में किस टीम ने काफी अच्छी पिक्स की हैं और किस टीम ने काफी गंदी पिक्स की हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस टीम से ज्यादा खुश हूँ रिप्लेसमेंट से और किस टीम की रिप्लेसमेंट से ना खुश हूँ। तो समरी है ड्राफ्ट की, वो आपको इस वीडियो में पता लगने जा रही है, और मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, मेरा क्या मानना है ड्राफ्ट के बारे से, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बहुत अहम प्लेयर जो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, वो PSL से बाहर हो चुके हैं, उनकी भी रिप्लेसमेंट का अनाउंस होना बाकी है। एक फास्ट बॉलर है बड़े जाने पहचाने, वो PSL से बाहर हो चुके हैं, नॉट अवेलेबल हो चुके हैं, उसका भी आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं करने जा रहा हूँ तमाम टीम्स पर रेगुलर शोज किए जाएंगे कि किस टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, उसकी प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है और कहां पर वो फिनिश करने जा रही है टूर्नामेंट में, वो भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो पिक थी वो लाहौर कलंदर्स की थी, शकीबुल हसन को पिक किया उन्होंने, आंद्रे रसल को छोड़कर शकीबुल हसन को पिक किया। और ये खबर मैं आपको कल अपनी जो शाम की वीडियो थी 5 बजे वो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैं ये बता चुका हूँ कि लाहौर कलंदर्स शकीबुल हसन को पिक करने जा रही है और ज्यादा चांस है कि लाहौर कलंदर्स की टीम पहली पिक जो करने जा रही है वो शकीबुल हसन पर हिट करने जा रही है। टारगेट जो होगा लाहौर कलंदर्स का वो शकीबुल हसन होने जा रहे हैं। तो ये कंफर्म न्यूज मैंने दी थी, ये लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट से न्यूज मुझे पता लगी थी, तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आंद्रे रसल को लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट पिक नहीं करने जा रही, जबकि वो पिक करेंगे शकीबुल हसन को। इसकी जो रीजन दी गई थी समीन राणा साहब की तरफ से, लाहौर कलंदर्स के CEO है, उन्होंने कहा था कि आंद्रे रसल जो है वो हमें लग रहा है कि अवेलेबल नहीं हो पाएंगे कुछ मैचेस के लिए, तो इस वजह से हमने शकीब को प्रेफर किया है क्योंकि शकीब हसन की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा दिन की है। इसके बाद दूसरी जो पिक की गई थी वो क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ थी, उन्होंने प्रेफर किया था आंद्रे रसल को, वो ओपनर उनका मिसिंग था टॉम बेंटन, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया है आंद्रे रसल को, आंद्रे रसल की तरफ गए। इसके अलावा कराची किंग्स ने तीसरी पिक में प्रेफर किया मार्टिन गप्टिल को, उन्होंने हालांकि उनके पास 2 ओपनर ऑलरेडी मौजूद है बाबर आजम और शर्जील खान, लेकिन उन्होंने फिर भी एक ओपनर को पिक किया मार्टिन गप्टिल को। ये एक सवाल निशान होगा कि मार्टिन गप्टिल को वो अपने कॉम्बिनेशन में प्लेइंग 11 में कहां पर खिला सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। यकीनन कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही इसकी पिक की गई होगी। इसके बाद चौथी पिक थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की थी, उस्मान ख्वाजा की सूरत में पाकिस्तानी बॉर्न ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बल्लेबाज ने उस्मान ख्वाजा को पिक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और पांचवी पिक जो थी वो मुल्तान सुल्तान की थी, मुल्तान सुल्तान ने काफी स्ट्रेंज एक पिक भी महमूदुल्लाह रियाद जो कि ऑलराउंडर है उनको पिक किया था। ये तो थी प्लैटिनम राउंड की पिक्स, टोटल पिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो पिक्स की थी उनमें थे उनके उस्मान ख्वाजा और जानेमन मलान को उन्होंने पिक किया, लाहौर कलंदर्स ने पिक किया शकीबुल हसन, जेम्स फॉकनर को पिक किया डेविड विजे की जगह पर, जॉय बर्न्स को पिक किया, कैलम फर्गसन और सीकू के प्रसन्ना को पिक किया, पेशावर जलमी ने पिक किया फैबियन एलन और रोबमन पावल को, फिडल एडवर्ड्स को भी फास्ट बॉलर एज पिक किया उन्होंने, कराची किंग्स ने पिक किया है मार्टिन गप्टिल, नजीबुल्ला जदरान, सारा परेरा और लिटन दास को, मुल्तान सुल्तान ने पिक किया महमूदुल्लाह रहमतुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के ओपनर हैं, जोरिस लिंडे साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, ओबेद मुकोए वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पिक किया है आंद्रे रसल को। किस किस प्लेयर की जगह पर ये खिलाड़ी पिक किए गए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो 2 पिक्स थी वो ये है, उस्मान ख्वाजा ने रिप्लेस किया एलेक्स हेल को, जानेमन मलान ने लुइस ग्रेगरी को रिप्लेस किया है, एक पिक अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बाकी है जिसका ऐलान वो बाद में करेंगे। कराची किंग्स ने रिप्लेस किया है कोलिन इंग्रम को मार्टिन गप्टिल से, मोहम्मद नबी को रिप्लेस किया है सारा परेरा से, डेनियल क्रिश्चियन को रिप्लेस किया है नजीबुल्लाह जदरान ने, और जॉय क्लार्क को रिप्लेस किया है लिटन दास ने। कराची किंग्स की 4 पिक्स ये बताई जा रही है। इसके अलावा लाहौर के अंदर में 5 रिप्लेसमेंट थी, राशिद खान की जगह आए हैं शकीबुल हसन, डेविड विजे की जगह आए हैं जेम्स फॉकनर, समित पटेल की जगह जॉय बर्न्स आए हैं, टॉम एबल की जगह आए हैं कैलम फर्गसन, और जॉय डेनियल
अली की जगह आए हैं सीकू के प्रसन्ना, खान सुल्तान में महमूदुल्ला रियाद आए हैं, क्रिस लिम की जगह पर रहमानुल्ला गुरबाज आए हैं, जेम्स विंस की जगह पर जॉर्ज लिंडे आए हैं एडम लिच की जगह पर, और ओबेद मोकोए आए हैं कार्लस ब्रैथवेट की जगह पर। पेशावर जलमी में फैबियन एलन ने रिप्लेस किया है मुजीबुर रहमान को, रोमन पॉवल ने रिप्लेस किया है लियम लिविंगस्टन को, और फिडल एडवर्स ने रिप्लेस किया साकिब महमूद को। पेशावर जलमी की भी अभी एक पिक बाकी है, उसका ऐलान भी बाद में किया जाएगा। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने भी पिक किया है टॉम बेंटन की जगह आंड्रे रसल को। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की भी एक पिक बाकी है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कौन सी पिक बाकी है, वो बाकी है डेल स्टेन की। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, डेल स्टेन जो है उन्होंने ऑप्ट आउट करने का फैसला किया है पीएसएल से, तो डेल स्टेन की जगह पर भी एक रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी क्वेटा ग्लेडिएटर्स को। डेल स्टेन नॉट अवेलेबल होने जा रहे हैं, डेल स्टेन की जगह पर भी एक रिप्लेसमेंट क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने चूज कर ली हुई है, लेकिन सिर्फ उनके नाम आना बाकी है, वो नाम बाद में हमें बताए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सी पिक्स से सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ और कौन सी पिक्स मुझे सबसे फजूल लगी हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले पेशावर जलमी की पिक्स से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फैबियन एलन काफी अच्छे एक ऑलराउंडर है, रोमन पॉवल काफी अच्छे हार्ड हिटर है, फिडल एडवर्स एक फास्ट बॉलर है। उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, 40+ आई थिंक हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेस जो है वो अभी भी 140+ की है। तो ये तीन पिक्स काफी अच्छी की गई है, यकीनन इसमें डेरन सैमी का फैक्टर रहा होगा, और तकरीबन तीनों ही जो प्लेयर्स हैं वो वेस्ट इंडीज के हैं। तो सबसे अच्छी जो पिक्स मुझे लगी है वो पेशावर जलमी की है, जो जो वो मिस कर रहे थे अपनी बैटिंग लाइनअप में प्लेयर्स के जाने से, उन्होंने उन तीन स्लोर्स को अच्छे से पूर्ण किया है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मुझे अच्छी पिक्स लगी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगी है, क्योंकि उन्होंने पिक किया है जो अपने ओपनर्स उनके मिस हुए थे उसकी जगह जानेमन मलान को पिक किया है, उस्मान ख्वाजा को पिक किया है। और एक अपडेट ये है कि कोलिन मनरो वापस आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में, उन्होंने रिप्लेस किया पॉल स्टर्लिंग को। मैं आपको बता चुका हूं कि पॉल स्टर्लिंग नॉट अवेलेबल होने जा रहे थे अपनी वीडियोस में, तो पॉल स्टर्लिंग की जगह उनकी जगह रिप्लेसमेंट आए हैं कोलिन मनरो। तीसरे नंबर बात की जाए तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स, उसकी पिक काफी अच्छी लगी है। एक ही पिक थी, उनको इस तरह रेट किया जा नहीं सकता, लेकिन उनके जो पिक है उनके पास ऑप्शन थी कि एक ओपनर की तरफ जा सके, लेकिन मैं ये पहले बता चुका हूँ कि उनको ओपनर की ऐसे जरूरत नहीं थी। जहां वो लैग कर रहे थे पिछले मैचेस में वो डेथ बॉलिंग में थे और फिनिशिंग में थे, तो आंड्रे रसल उस कमी को अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। चौथे नंबर बात की, चौथे नंबर की जो पिक है वो मुल्तान सुल्तान की मुझे अच्छी लगी है, महमूदुल्लाह रियाद को छोड़ के। महमूदुल्लाह रियाद को उन्होंने प्लैटिनम में पिक किया है, प्लैटिनम लेवल के वो प्लेयर नहीं है। उसके अलावा जो बात की जाए, बाज जो है वो अफगानिस्तान के डैशिंग ओपनिंग वाले बाज हैं, तेज खेलने के प्लेयर रखते हैं। जॉर्ज लिंडे भी एक हिटर माने जाते हैं साउथ अफ्रीका के, और अच्छी बॉलिंग करके भी हमें दे सकते हैं। ओबेद मोकोए भी अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वेस्ट इंडीज के, तो मुल्तान सुल्तान की पिक भी काफी अच्छी है। सेकंड लास्ट टीम की बात की जाए तो जिसकी मुझे टीम पसंद नहीं आई वो है कराची किंग। कराची किंग ने मार्टिन गप्टिल को पिक किया है, लेकिन उसके पीछे मुझे उनका थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया कि वो ओपनर के पीछे क्यों गए हैं। नजीबुल्ला जदरान उन्होंने पिक किया है एज फिनिशर, तिसारा परेरा उन्होंने एज फिनिशर पिक किया है ताकि वो मोहम्मद नबी और डेनियल क्रिश्चियन की कमी को पूरा कर सके, और लिटन दास को पिक किया है ताकि वो उनको बैकअप विकेट कीपिंग के ऑप्शन दे सके। तो मार्टिन गुप्टिल की मुझे समझ नहीं आई पिक की, बाकी जो पिक्स हैं वो इनकी काफी बेहतर लगती हैं। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो सबसे जो खराब पिक्स की गई है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, हमेशा वो खराब पिक्स करते आए हैं, लेकिन एक दो ड्राफ्ट उनके अच्छे गए थे पिछले, लेकिन अब फिर से उन्होंने खराब पिक्स की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है। अब तो आदत सी है हमको लाहौर कलंदर्स के फैंस को कि ऐसी खराब पिक्स देखने की। बात कर लेते हैं शकीबुल हसन, पहली पिक है, इनको थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है क्योंकि आंड्रे रसल की अवेलेबिलिटी के इशू थे। उसके बाद जो पिक्स की गई है उनकी समझ नहीं आई, जेम्स फॉकनर है, जोए बर्न्स है, कैलम फर्गसन है, और सीकू के प्रसन्ना है। इन चार प्लेयर से हम बेहतर प्लेयर सेलेक्ट कर सकते थे, जानेमन मलान हमारे पास थे, उसके बाद फैबियन एलन हमारे पास मौजूद थे, रोमन पॉवल थे, ये प्लेयर्स भी हम पिक कर सकते थे, मगर हमने पिक नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो चाहती है कि हमने जीतना ही नहीं है, हम जीतना चाहते ही नहीं है, तो इस वजह से लाहौर कलंदर्स ऐसी पिक्स करती है ताकि वो टूर्नामेंट ये जीत ही ना सके। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। तो नाज़रीन ये तो थी पीएसएल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट 2021 की समरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको पिक्स कैसी लगी हैं, अपनी पसंदीदा टीम्स की पिक्स के आप कितने हद तक मुत्तफिक हैं, सबसे अच्छी पिक्स किस टीम की लगी हैं और आपको सबसे बुरी पिक्स किस टीम की लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार और उसको मैं रिप्लाई भी हर कमेंट को आपको करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइंदा आने वाले दिनों में हम करेंगे हर टीम का कॉम्बिनेशन का प्रीव्यू करेंगे, कैसी लग रही है टीम उसको डिस्कशन की जाएगी, उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, प्लेइंग 11 बेहतर से बेहतर बनाई जाएगी और कहां पर वो रैंक कर रही है वो आपको बताई जाएगी। तो आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियोस में होती रहेगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज़।